अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामिर निशान के मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज डार और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन फिरदौस कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 सालों से कोविड के चलते यहाँ की सियाहती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रही, जिसके नतीजे में एक तो सयाहत शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ, वहीं इससे वाबस्ता अफराद भी कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब चूँकि हमने देखा कि कुछ अर्से से यहाँ कोविड केसों में कमी आती जा रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी में सियाहती सरगर्मियाँ बहाल हुई है, तो आज हम यहाँ शोरे आफा गुलमर्ग आए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा कि वो यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाए। इसके साथ साथ हम कुछ सयाहों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे जो वादी कश्मीर में दोबारा सियाहती सरगर्मियाँ बहाल हुई है, वो यहाँ सैर के लिए आ रहे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है और किस तरह से वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से मुस्तफीद हो रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए क्या कुछ पैगाम उनके रिश्तेदारों उनके दोस्तों के लिए रहेंगे। सर, आपका नाम? राघव अग्रवाल। आप कहाँ से आए सर? हम पठानकोट से। सर, पहली बार कश्मीर आए हो? फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ कश्मीर आते हुए? ठीक है, थोड़ा मौसम थोड़ी गर्मी है इधर, वैसे तो अब जैसे बादल आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। सर, तो कोविड भी है, कोविड की वजह से बंद पड़ा हुआ था, आप सियाहती सीजन बहाल हो गया, तो क्या लग रहा है आपको, कैसी एक्सपीरियंस हो रही है? हाँ, पहले 1.5 साल बंद रहा, कहीं घूमने नहीं गए, अब बच्चों के भी जैसे स्कूल बंद है तो थोड़ा थे, फ्री थे तो कहा चलो घूम आते हैं। अब जब यहाँ से वापस जाओगे तो क्या मैसेज रहेगी जो वहाँ पे लोग हैं, उन्हें कश्मीर आने के लिए दावत देगी? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा। कोई जैसे वहाँ हम न्यूज़ में सुनते हैं यहाँ गड़बड़ी है चल रही और दंगे फसाद होते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा मौसम, सारा अच्छा लगा, सारा सेफ लगा, सेफ है सारा, पूरा अच्छा है, आना चाहिए, के लिए बहुत अच्छा है, आना चाहिए, सब विजिट करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांश अग्रवाल है, हम भी पठानकोट से ही हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ कश्मीर आके? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम अच्छा है। हम कल सोनमर्ग गए थे, आज गुलमर्ग आए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, तो कल भी इंजॉय किया हमने। मुझे पता है यहाँ से जाके आपको घर वालों की मैसेज क्या रहेगी, उन्हें क्या कहा जा रहा है कश्मीर के बारे में? मैं तो सारे सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से आना है, बर्फ़ नहीं देखा यहाँ पे, बर्फ़ देखना था, आज भी देखना था बर्फ़, तो बस आज नहीं जा पाए, चलो कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बात नहीं। तो जैसे नेशनल मीडिया में कहा जा रहा है वहाँ के हालात ख़राब है, क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं हम। मेरा नाम गुलाम अहमद है, मैं इस गार्डन में एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ। हमारे को ये आज ये गार्डन करीब 2 महीने के बाद खुल गया, 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन इस दौरान किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे हम टूरिज़्म से ज़्यादा वाबस्ता है, हमारे लाइसेंस टूरिज़्म के ऊपर ये है, टूरिज़्म हमें हमेशा ये देखता है कि आपकी लाइसेंस रिन्यू है या नहीं है, और आप टूरिज़्म जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं टूरिज़्म देखता है रेट कैसा है, वो कैसा है, लेकिन आज 2 महीने हो गए किसी ने हमारे तरफ नज़र नहीं देखा कि भाई इनका फैमिली कैसा चलता है, ये लोग तो इसी पर डिपेंड है। यहाँ पर गार्डन्स पे जो बाहर फोटोग्राफर से हम लोग और दुकानदार लोग हैं इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग ज़िंदा है कि मर गए, और इंशाल्लाह आज ये गार्डन खुल गया, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा काम लगेगा, मौसम भी अच्छा है, और हम टूरिज़्म से जितने भी टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं उनसे वेलकम करते हैं, आप आइए यहाँ पर नज़ारा देखिए, फूल भी खिल गए, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, मौसम अच्छा है, बाहर जितना गर्मी है उससे बहुत बहुत ठंडी है इस टाइम, यहाँ पर अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़ है, बाग में फूल खिल गए, आप आइए, हमारे तरफ से आपको वेलकम है। बाकी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? मैं यहाँ गाइड काम कर रहा हूँ गुलमर्ग में। गुलमर्ग में तो आप देख रहे हो कि टूरिस्ट से फिर से बहाल हो गया, तो सयाहों के लिए आपकी क्या मैसेज है, क्या कहना चाहती हो जो बाहर के सयाह? बस अभी हम बोलते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए, हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आता है, हर एक का रोज़गार यहाँ बनता है, क्योंकि हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, मतलब बाहर से बहुत टूरिस्ट आता है, हर एक कंट्री से यहाँ टूरिस्ट आना चाहिए गुलमर्ग, क्योंकि यहाँ बहुत अभी रोज़गारी बेरोज़गारी है, तो यहाँ हम लोग रोज़गार कमाएंगे टूरिस्ट से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से सियाहती सीज़न बंद पड़ा हुआ था, तो आप लग रहा है कि सियाहती सीज़न बहाल धीरे धीरे बाहर हो रहा है, क्या फ़ायदा आप उनको मिलेगा? फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन में भी हमारा बहुत नुकसान हुआ,
तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम लोग को भी पूरा हेल्प करेगा, गाइड लोगों को, हेल्पर लोगों को, जो घोड़े वाले इधर हर एक उसको हेल्प करे। यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे पूरा एक्टिविटी चल रहा है गुलमर्ग में इस वक्त, स्नो बाइक्स की, स्लेजिंग, घोड़ा भी चल रहा है, यहाँ हर एक एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है गुलमर्ग में। पूरा साइड सीन के लिए भी टूरिस्ट जा रहे हैं इधर, जैसे यहाँ नया प्लेस खुल गया बूटा पथरी, वहाँ भी टूरिस्ट जा रहे हैं, नीचे चिल्ड्रंस पार्क है, फिशिंग लेक है, पूरा गुलमर्ग जो है ये नंबर वन पे, और अफरवट एरिया में भी टूरिस्ट जा रहे हैं अभी फेज़ टू में। लेकिन आज से मतलब फेज़ टू जो बीच में बंद हुआ, अब पता नहीं कल कैसा हिसाब रहेगा इसका। करण गिल। कहाँ से आए सर? अमृतसर से आया। पहली बार आए हो सर? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को इधर घूम के। सर, जो क्या मैसेज रहेगी यहाँ से जब घर जाओगे तो उनको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है ये, टूरिस्ट के लिए और अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, वेदर बहुत अच्छा है, सब लोगों को आना चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ के हालात के बारे में बातें की जा रही है, तो ऐसा अभी तो हालात नॉर्मल है, अभी तो कोई ऐसा नहीं है, सब बढ़िया है, सिक्योरिटी अच्छी है, सिक्योरिटी टाइट है, तो ऐसे हालात सब ठीक है। सर, क्या यहाँ से जाके आप घर वालों को कहेंगे कि वहाँ जाओ, आप वहाँ खूबसूरत जगह है? हाँ बिल्कुल कहेंगे, मैं भी आऊँगा दिसंबर में, फिर दोबारा आऊँगा घूमने के लिए, बिल्कुल आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पुर से हूँ, झारखंड से, वहाँ से आया हूँ, पहलगाँव रुका दो दिन, उसके बाद कश्मीर आया, काफ़ी ही अच्छा लगा। आज गुलमर्ग घूम रहा हूँ, यहाँ ऊपर फेज़ टू जाना था, हो नहीं पाया, बंद हो गया, काफ़ी ही अच्छा लगा। श्रीनगर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, हम लोग 5 लोग आए हैं वहाँ से, काफ़ी इन्जॉय हो रहा है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छा, जैसा हमने सुना था वहाँ दिक्कत होती है, वैसा कुछ नहीं हुआ, आराम से सब कुछ बढ़िया से घूम रहा हूँ। पहली बार आए आप कश्मीर? नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। तो यहाँ से जाके आप वहाँ की मैसेज क्या रहेगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत जन है कि डरते हैं कश्मीर आने से, श्रीनगर के नाम से थोड़े हड़कते हैं, तो वो चीज़ उन्हें बताऊंगा कि वैसा कुछ नहीं है, सेफ है पूरा। आदमी लोग बहुत उस साइड से आना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सब लोग फेमिलियर है, सब अच्छे है, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। के मास्क सब यूज़ कर रहे हैं, हर जगह चेकिंग भी है, सब बढ़िया से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड को लेके भी यहाँ नहीं लगता उतना कोई दिक्कत है, सब ठीक है वापस से, और धीरे धीरे तो सब ठीक हो जाएंगे वापस से। यशवर्धन सिन्हा, हम भी आए हैं जमशेदपुर झारखंड। पहली बार आए हो कश्मीर? बिल्कुल पहली बार। कैसा लग रहा है कश्मीर आपके? बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, इंशाल्लाह मज़ा आ गया। कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी हम आ गए पहलगाम, हो गए अभी आए श्रीनगर, गुलमर्ग अभी घूम रहे हैं अभी करेंटली। तो कश्मीर को धरती पर जन्नत कहा जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सही में जन्नत है? बिल्कुल जन्नत है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अच्छा, दोस्तों के लिए क्या, जो आपके दोस्त वहाँ पे, उनको क्या कहना चाहोगे? ज़िंदगी में और कुछ करो ना करो, कश्मीर ज़रूर आओ, एक कश्मीर आना ज़रूर।